फ्रेंड्स वेलकम टू द कोचअप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी सर्किट थ्योरी जो सब्जेक्ट है उसका थ्योरम्स। ये बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए, पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में आज हम पढ़ने हैं थ्योरम। जैसे कि हमने पहले पुराने वीडियोज़ में सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो अब हमारी जो सेकेंड नंबर की थ्योरम है वो थेविनिन थ्योरम। ये सबसे ज़्यादा हर कंपटीशन में या हर एग्जाम में आने वाली थ्योरम है। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट कहता क्या है। तो स्टेटमेंट है हमारा, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, व्हेन नेटवर्क इज हैविंग लीनियर बाई डायरेक्शनल एलिमेंट्स एंड मोर नंबर ऑफ पैसिव एंड एक्टिव एलिमेंट्स, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाई सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स BTH इन सीरीज विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट है, लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट है, उसमें मोर नंबर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स लगे हुए हैं, खूब सारे एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स लगे हुए हैं, वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, अगर ऐसी कोई मेरी सर्किट है, उस सर्किट को हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट से। और वो मेरी सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट किस फॉर्म में होगी कि एक तो BTH चाहिएगा मुझे जो इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा पूरी सर्किट का, और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा जो हम पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और ये कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले हमारे जो लोड रेजिस्टेंस है इसकी स्टेप्स क्या होंगी, पहले हम लोड रेजिस्टेंस को डिसकनेक्ट कर देंगे। उसको करने के बाद हमारे जितने भी अगर उसके अंदर सोर्सेज हैं, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो करंट सोर्सेज हो, उनको हम इनके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद हम पूरा रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर देंगे, टर्मिनल कौन कौन से होंगे मेरे जहाँ से मैंने लोड रेजिस्टेंस को हटाया है, उसके अगेंस्ट उनको हटाने के बाद जो हमारा रेजिस्टेंस निकलेगा आर इक्विवेलेंट वो हमारा RTH हो जाएगा। और आर लोड रेजिस्टेंस को हटाने के बाद उसके अक्रॉस हमारा जो वोल्टेज निकलेगा वो ओवरऑल वोल्टेज होगा, वो क्या होगा मेरा BTH, जिसको हम कह सकते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ये हम किस तरह से करते हैं, इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम समझने वाले हैं और देखते हैं एग्जांपल की हेल्प से थेविनिन थ्योरम को सॉल्व करते हैं कि किस तरह से। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड द करंट इन द 2 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग थेविनिन थ्योरम। इसको थेविनिन थ्योरम से हमको सॉल्व करना है किसके अंदर, 2 ओम रेजिस्टेंस के अंदर हमें करंट पता करना है, मान लिया कि करंट पता करना है I। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी स्टेप, जब भी हमको थेविनिन थ्योरम सॉल्व करनी है तो हमारी पहली स्टेप ये होती है जिसके अंदर करंट पूछा है तो वो हमारा हो गया लोड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम उस लोड रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे, मतलब यहाँ से डिसकनेक्ट कर देंगे। इसको डिसकनेक्ट करके और फिर उस पर क्या करेंगे, हम ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे और उन्हीं दोनों टर्म्स पर, टर्मिनल्स पर, ये मेरी टर्मिनल हो गया A और B, इसको हम डिसकनेक्ट कर देते हैं इन दोनों को टर्मिनल पर, तो हमको ओपन सर्किट वोल्टेज भी निकालना है और RTH आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम उसको कर देंगे क्या करेंगे, थेविनिन इक्विवेलेंट सर्किट में पुट करेंगे और करंट को कैलकुलेट करते हैं। तो हम देखो हमारी पहली स्टेप करते हैं, सबसे पहली स्टेप है डिसकनेक्ट द लोड रेजिस्टेंस। अब इसको हमने डिसकनेक्ट कर दिया, इसके अक्रॉस अब हमको निकालना है ओपन सर्किट वोल्टेज, क्या निकालना है ओपन सर्किट वोल्टेज। तो देखो अब इसमें हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज पता करने के लिए, ये वाली आर में वोल्टेज पता है और अगर इस वाली आर में हमें वोल्टेज पता चल जाएगा तो हम इसको ऐड करके इसको कर देते हैं। हमारा यहाँ से 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कितना हो रहा है 20 एम्पियर, तो ये भी मेरा क्या होगा 20 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो हमारा सबसे पहला केस, फर्स्ट डिस्कनेक्ट द लोड एंड कैलकुलेट ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड टर्मिनल्स। तो हमने लोड को तो डिसकनेक्ट कर दिया और ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो हमारा यहाँ पे 20 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो इसको ये हमारा ओपन सर्किट हो गया, इसका मतलब इधर तो कोई करंट फ्लो होना नहीं है, तो मेरा होने क्या वाला है ये 9 ओम रेजिस्टेंस और देखो इन इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस अगर मैं करता हूँ तो हमारा 3 ओम और 6 ओम ये दोनों क्या हो गए 9 ओम, और ये दोनों के दोनों 9 ओम है, तो दोनों 9 ओम क्या है पैरेलल में, तो इसका मतलब जो 20 एम्पियर जो हमारा करंट है वो दोनों आर्म्स के अंदर इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस हमारे क्या है सेम है, दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो इक्वली हमको डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब इसमें हमारा आ गया 10 एम्पियर और इस वाले सर्किट के अंदर भी आ गया 10 एम्पियर। इस सर्किट में जब 10 एम्पियर हो गया, रेजिस्टेंस हमारा 6 ओम है, करंट क्या है 10 एम्पियर, तो कितना हो गया 60 वोल्टेज, वोल्टेज अब इसमें हो गया मेरा प्लस और माइनस कर सकते हैं हम 60 वोल्ट। अब इसमें हम लगा देते हैं क्या
केवीएल। तो हम केवीएल लगाते हैं, केवीएल ये हो गया प्लस माइनस, केवीएल लगाएंगे तो ये होगा माइनस बी ओ सी ओपन सर्किट वोल्टेज माइनस 10 वोल्ट प्लस 60 वोल्ट इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया मेरा ओपन सर्किट वोल्टेज, इसको मैं उधर ले जाता हूँ तो ये हो गया प्लस 50 माइनस बी ओ सी प्लस 50 इक्वल टू जीरो। तो बी ओपन सर्किट वोल्टेज आ गया मेरा 50 वोल्ट। तो हमारा देखो बी टी एच तो आ गया, बी टी एच आ गया, तो केस फर्स्ट में हम कह सकते हैं बी टी एच इज इक्वल टू मेरा 50 वोल्ट। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद हमको करना है आर टी एच। तो आर टी एच कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको उनके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा इंटरनल इंपीडेंस वोल्टेज है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, करंट है तो हम उसको ओपन सर्किट कर देंगे। इस वाली सर्किट में देखो हमारे पास क्या 20 एम्पियर करंट सोर्स लगा हुआ है, इसका मतलब करंट सोर्स हमारा क्या है 20 एम्पियर, इसको हम क्या कर देंगे ओपन सर्किट। तो ये हो गया मेरा ओपन सर्किट। इसका अब मेरा टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है किसके अक्रॉस, इस वाली आर्म्स के अक्रॉस। अब यहाँ पर करना है मुझे आर टी एच। आर टी एच कैलकुलेट करने के लिए देखो ये मेरी सेम सर्किट है, अब इसमें 3 ओम और 9 ओम ये दोनों सीरीज में आ गए, इस रेजिस्टेंस को हम लेंगे नहीं क्योंकि ये ओपन सर्किट है, इधर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो ये हमारे कोई काम का है नहीं। तो अब 9 और 3 12 ओम और 6 ओम ये दोनों के दोनों हमारे किस में आ गए, अब पैरेलल में। तो 9 ओम 6 ओम पैरेलल में आ गए, तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, आर टी एच इज इक्वल टू 12 पैरेलल में 6 ओम। तो ये हो जाएगा मेरा 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, तो ये हो गया 12 इंटू 6 अपॉन 18, 6 से ये 3 टाइम्स, 3 से ये 4 टाइम्स आ गया 4 ओम। तो हमारा आप देखो इधर तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, यही तो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारा तो आर इक्विवेलेंट हो गया मेरा 4, हमारा हमने मिटा दिया है क्योंकि हमारा इस पर बोर्ड भर गया था। तो इसमें अब क्या करते हैं हम, हमारा आर टी एच निकल आया 4 ओम और बी टी एच निकल आया 50 वोल्ट। अब इसको हम थेवेनिन सर्किट में करते हैं, तो थेवेनिन सर्किट में क्या करते थे, हमारी लास्ट वाली लाइन थी स्टेटमेंट में कि वोल्टेज इन सीरीज विद रेजिस्टेंस। तो हमारा वोल्टेज क्या हो गया प्लस माइनस, जो हमारा वोल्टेज तो हो गया बी टी एच इज इक्वल टू 50 वोल्ट, कितना हो गया 50 वोल्ट। उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस होता है सीरीज में वो होता है आर टी एच जिसकी वैल्यू आ गई मेरी 4 ओम, और हमारा लोड रेजिस्टेंस को हम इसमें वापस से कनेक्ट कर देंगे आर एल, तो आर एल कितना हो गया मेरा 2 ओम जो हमने डिस्कनेक्ट किया था। तो ये हमारी अब इक्विवेलेंट सर्किट आ गई, उतनी बड़े नेटवर्क को हमने एक छोटे से नेटवर्क में कर दिया, एक हमने इक्विवेलेंट वोल्टेज निकाल लिया, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया, और जो लोड करंट हमने डिस्कनेक्ट किया था उसको हमने वापस ले लिया। अब मुझे इस 2 ओम के अंदर कैलकुलेट पता करना था आई, तो अब हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 6 ओम, तो इसको हम कर सकते हैं बी इज इक्वल टू आई आर। तो आई कितना हो गया मेरा, वोल्टेज कितना है 50 और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया 4 प्लस 2, तो ये हो गया 50/6 मतलब 22/3। तो देखो हमने बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम्स। तो ये हमारे बेसिक्स एग्जांपल था, उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।